बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। आज के टाइम का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट है वो जीमेल अकाउंट होता है। जब भी आपके पास कोई फोन होता है तो उसमें एक लॉगिन आईडी मांगता है। लॉगिन आईडी मतलब आपका जीमेल अकाउंट मांगता है। तो जीमेल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सभी को आना चाहिए। कैसे बनाते हैं वो भी आना चाहिए और कैसे लॉगिन करते हैं तो वो भी आना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे लैपटॉप से। आप लैपटॉप यूज करते हो तो वहां पे क्या होता है, काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको वो बताएंगे अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फटाफट से वीडियो लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च करना है आपने क्रोम। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया। सबसे ऊपर हमारा गूगल क्रोम आ गया। हमारे जब हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ आईडी जो हमारी पहले से लॉग इन होती है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो साइन इन करोगे या लॉग इन करोगे या मतलब गूगल पहली बार क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक भी आईडी नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आपने यूज किया होगा आपकी मेल आईडी उसमें एक्टिव होंगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी आपकी कौन कौन सी मेल आईडी एक्टिव है। तो हमें क्या करना है, हमें फिलहाल तो एक नई आईडी क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड अकाउंट, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हम नेट शुरू चल रहा है यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। अगर आपने लॉग इन करना है, लॉग इन करना मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं बताऊंगा आपको अकाउंट क्रिएट कैसे करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे क्रिएट वाला ऑप्शन। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आओगे आप माई फॉर माई पर्सनल यूज, जैसे कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी जीमेल आईडी लॉग इन करना चाहते तो यस, तो हम यहाँ पे कर देंगे यस। इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम डालना है। तो नाम जो भी हमें मेल आईडी क्रिएट करनी है उसका नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे सपोज जैसे मान लो मैं एक मेल आईडी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे नाम डाल देते हैं, जैसे मान लो मैं अपने नाम से करता हूँ, मैं डाल दूंगा अजीत स्पेस दिया और यहाँ पे डाल दिया ठाकुर। यहाँ पे मैंने ठाकुर डाल दिया और यहाँ पे एक मेल आईडी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके नेक्स्ट करना है बस। अब यहाँ पे आपने मेल आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ पे आपने फिल करनी है। तो ध्यान रखना डेट ऑफ बर्थ आपने रियल डालनी है। रियल डालने का मतलब ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी रियल रहती है। तो कभी कभी क्या होता है, ईमेल अकाउंट आप गूगल अकाउंट भूल जाते हो तो वहाँ पे जब रिकवरी करते हो ना अकाउंट की तो वहाँ पे बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आपकी मेल आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो जेन्युइन पड़ी होती है तो यहाँ पे उसका यूज हम कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रेंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें हो जाती है। जब आपकी जीमेल आईडी बड़े लेवल पे काम करती है तो अब आपके यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मेल अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपने अकॉर्डिंग, तो जो मेरी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो हम डाल देंगे यहाँ पे और हमने यहाँ पे डाल के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आ गया जेंडर। जेंडर में आप ले लोगे मेल फीमेल आपका जो भी रहेगा, जो भी आपका जेंडर रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। जैसे मान लो हमने मेल ले लिया और नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे मेन काम जो हमारा होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमें एक यूजर आईडी क्रिएट करनी है। एक यूजर आईडी ऐसी हो जो पहले से बनी हुई ना हो। तो यहाँ पे हम डाल देंगे एक नाम, जिसे हमने डाल दिया अजीत। तो मैं इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अजीत ठाकुर और यहाँ पे डाल दूंगा मैं 910 और नेक्स्ट करूंगा। तो देखो यहाँ पे ये वाली मेल आईडी इस वाले यूजर नेम से बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो मैं और ऐड कर ले रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब देखो ये वाली मेल आईडी बनी हुई नहीं है, ये वाले यूजर नेम से आईडी हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब थोड़ा सा आप वेट करेंगे यहाँ पे क्योंकि थोड़ा नेट आजकल जियो का स्लो चल रहा है। तो सेकंड पासवर्ड डालने वाला ऑप्शन, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड कंफर्म करना है। एक पासवर्ड यहाँ पे बनाना है ऐसा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, पहला अक्षर कैपिटल कर दिया और स्पेशल करेक्टर इंक्लूड कर लिए और एक दो नंबर हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी अपना पासवर्ड डाल दूंगा। पासवर्ड आपने क्या करना है, इस टाइप से डालना है कि मतलब उसमें स्पेशल करेक्टर भी इंक्लूड होने चाहिए एक आध। तो मैं आप डाल दूंगा पासवर्ड अपना, तो मैंने डाला पासवर्ड। और जो पासवर्ड आप डालोगे उसको ध्यान रखना आपने, तो आप ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, आप पासवर्ड अपना जीमेल का भूल जाते हो तो क्या करोगे, गूगल में आके मतलब जब आपके फोन में जो मेल लॉगिन होती है अगर उसका पासवर्ड भूल जाते तो उसको आप मेल आईडी में जाके ही फॉरगेट कर सकते हो। वहां से सबसे अच्छा रहता है फॉरगेट करना नॉर्मली। वैसे आपको मेल का पासवर्ड याद होना चाहिए क्योंकि कभी आपका फोन खो जाए तो वहां पे आपकी मेल आईडी का पासवर्ड जो आपको याद होता है तो वहां पे अपना फोन आप ट्रैक वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी होता है।
इसके बाद आप आओगे यहाँ पे, आपको मिलेगा शो पासवर्ड। अपने यहाँ से पासवर्ड शो कर सकते हो, आप मैच कर लोगे कि आपका पासवर्ड बिल्कुल सेम है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया शो पासवर्ड किया और यहाँ पे कर दिया ओके और नेक्स्ट किया, तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट हो गया। अब हमारी मेल जो है वो क्रिएट होने स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फोन नंबर डालना है, जिस फोन नंबर पे हमें ओटीपी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐसे फोन नंबर डाल दिया जिसकी हमें ओटीपी मिल जाएगी अभी। तो मैंने यहाँ पे फोन नंबर मेंशन कर लिया और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे फोन नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपने जो कोड आएगा वो कोड यहाँ पे अपने एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कोड एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जो कोड होगा वो 6 डिजिट का रहेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना और नेक्स्ट करना। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपका यहाँ पे मेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे रिकवरी मेल में कुछ मेल आईडी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। जैसे क्या होता है, मान लो ये वाली आप मेल आईडी भूल जाते हो, कुछ भी होता है, तो उस कंडीशन में आप रिकवरी मेल आईडी यहाँ पे सेंड कर सकते हो और जो भी है ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐड कर देता हूँ इन्फो फ्यूचर टारगेट, मैंने यहाँ पे मेल आईडी ऐड कर दी अपनी office.com और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारी ये मेल आईडी ऐड हो गई। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमारी जो मेल आईडी हमने बनाई थी वो यहाँ पे ये वाली मेल आईडी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें ये वाला फोन नंबर है हमारा और ये वाली हमारी मेल आईडी एकदम बन के तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, रिव्यू अकाउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस होती है मेल की, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे कोई पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं होती। यहाँ पे एग्री करेंगे, करना तो आपने एग्री है अगर आपने मेल आईडी बनानी है, और कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए पढ़ने कोई जरूरत नहीं है। तो यस आई एम इन, तो यहाँ पे मैंने ये आईडी बना के लॉग इन कर ली। अभी हमारी आईडी लॉग इन हो चुकी है, हम यहाँ पे डन कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ से कलर वगैरह चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आईडी बनाई अपनी और यहाँ पे लॉग इन कर लिए। अभी आईडी हमारी लॉग इन हो गई है। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आपको मेल खोलना है। सपोज जैसे मान लो अब आपको किसी को मेल करना है तो मेल आईडी अपनी ओपन करनी पड़ेगी, तो साइन इन करना है। तो इस टाइप से आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जीमेल वाला, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो मेल आईडी जो आपने क्रिएट किए, आप मेल आईडी के डैशबोर्ड में पहुंच जाओगे। अब आपका जो मेल आईडी का डैशबोर्ड होगा वो आपको इस टाइप से दिख जाएगा। आप यहाँ पे आके यहाँ पे कोई चेंजिंग वगैरह होता है, कोई सेटिंग करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे तो सी ऑल सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है, आप कस्टमाइज करके यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स होती है, इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में केवल जीमेल आईडी क्रिएट करना और जो जीमेल आईडी हमारी क्रिएट होती है उसको साइन इन करना बता रहे हैं, तो वही बताएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, उसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे आना, जब आपकी मेल आईडी होगी यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप आओगे यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका बड़ा सा ए दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे, साइन आउट कर दोगे। अब यहाँ पे साइन आउट अगेन, अब यहाँ पे हमने स्किप कर दिया। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू करेंगे। मेल आईडी लॉग इन मतलब करनी होती है, अपनी मेल आईडी जो आपने पहले से बना रखी है उसको लॉग इन करना है। तो क्या करोगे, तो उस कंडीशन में भी आपने वही करना है, आपने सिंपल क्रोम ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया और यहाँ पे आपका क्रोम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपकी सारी मेल जितने भी होंगे सारे लॉग इन में आ जाएंगे। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, हमारी पहले से ऐड है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप आओगे नीचे गो इन सेटिंग और यहाँ पे आके आपकी जो मेल आईडी होगी वहां पे आप लॉग इन हो जाएगी। यहाँ से इस टाइप से आप अपनी मेल आईडी लॉग इन कर सकते हो। अब मैं क्या होता है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, जो मेल आईडी आपने क्रिएट की थी, जो भी आपने मेल आईडी भी बनाई थी, वो वाली मेल आईडी आपने एंटर करनी है। तो मैंने यहाँ पे डाला अजीत ठाकुर, मैं यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे जो अपने नंबर डाला था लास्ट में वो नंबर डाल देंगे और एंटर करेंगे। जब आप लॉग इन करते हो तो आपको यहाँ पे @gmail.com डालने की कोई जरूरत नहीं होती विशेष। तो मैं यहाँ पे अजीत ठाकुर 910535 है, लास्ट में 5 भी था। तो आपको यहाँ पे लास्ट में @gmail.com डालने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो जीमेल में है, तो लॉग इन अपने आप हो जाता है। अब यहाँ पे आ गया हाय अजीत लिख के, तो हम यहाँ पे करेंगे पासवर्ड एंटर और यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर किया एस गया, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड एंटर हो जाएगा और ये मेल आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी। तो आप इस टाइप से अपनी मेल आईडी लॉगिन भी कर सकते हो और अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने बताया आपको जियो का नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो इस चक्कर में आपको लॉगिन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉट नाउ कर दूंगा और यहाँ पे आके आपका गूगल अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो आप इस टाइप से अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं और अगर आपको गूगल अकाउंट क्रिएट करना है तो आप इस टाइप से क्रिएट भी कर सकते हैं। और ये वाला आपका जो मेल आईडी होता है, आप यहाँ पे देखोगे ये वाली आपकी मेल आईडी होती है,
ईमेल आईडी होती है, आप इसको डाल के फोन में साइन इन, फोन को भी लॉग इन कर सकते हैं। जब भी आप फोन लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक मेल आईडी मांगते हैं। तो मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम में, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है हर एक फोन के लिए, क्योंकि अगर मेल आईडी नहीं डालो तो आप अपना फोन लॉग इन नहीं कर पाओगे और उसमें कोई भी इतना मतलब कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको मेल आईडी चाहिए होती है, मेल आईडी कंपलसरी होती है आपके फोन के लिए। तो आप मेल आईडी इस टाइप से बना सकते हो। मोबाइल में कैसे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा, और बाकी इसकी मेल की जो सेटिंग रहेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स होती है मेल में, उनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे क्योंकि सारी मेल की सेटिंग्स गाइड करूंगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था मेल क्रिएट कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया आपको, अगर आपकी जीमेल आईडी होती है पहले से तो उसको लॉगिन कैसे करते हैं तो वो भी आपको मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चुका है, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और वैसे अगर नॉर्मली आप कमेंट करते हो तब भी मैं आपको मेल या किसी किसी ना किसी माध्यम से आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो कोई दिक्कत हो। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। किसी नए टॉपिक के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।